हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। हार्दिक स्वागत है। सो गाइस, पहले हम ब्लॉग को शुरू करने से पहले लेते हैं प्रभु श्री राम जी का नाम। हमारे साथ बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। सो गाइस, अभी हम ब्लॉग को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप काफी बढ़िया होंगे। सो गाइस, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में क्या दिखाया था, पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था रथ कड़ा मेले की तैयारियां। तो आज है मेला, तो आज हम मेले में जाएंगे और आपको वहां पे पूरा ब्लॉग दिखाएंगे और अपने प्यारे नरसिंह भगवान जी के दर्शन करवाएंगे और हम आपको वहां पे ब्लॉग पूरा दिखाएंगे। आज झूले वगैरह सब कुछ दिखाएंगे ब्लॉग में, तो आप हमारे ब्लॉग के साथ जुड़े रहना। तो मैं अभी चलता हूँ रेडी होने के लिए, फिर आपसे मिलता हूँ। सो गाइस, अभी आप हमारे ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए। सो गाइस, अभी हम आपको अपनी आउटफिट दिखाते हैं। सो गाइस, अभी हमारी आउटफिट है व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा, दे सकते हैं, ये डालूंगा मैं आउटफिट। तो अभी हम डालते हैं और आपको दिखाते हैं। तो अभी हम इसके ऊपर जींस की जैकेट डालेंगे। सो गाइस, कैसी लग रही है मेरी आउटफिट, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है? कैसी लग रही है आउटफिट मेरी, देखिए। सो गाइस, जस्ट अभी मैं नरसिंह भगवान जी के मंदिर में पहुंचा हूँ, जहाँ पे मेला हो रहा है, रथगढ़े का मेला हो रहा है। बड़े धूमधाम से मेला मनाया जा रहा है हमारे भगवान में। तो देख सकते हैं यहाँ पे काफी लोग आए हैं मेला मनाने के लिए, दूर दूर से आए हैं लोग मेला मनाने के लिए। और अमित जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस मेले के बारे में? जय श्री राम। तो आप सबका जतिन फ्रॉम गढ़वाल के ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे मंदिर में काफी ज्यादा जो है जनसैलाब उमड़ा हुआ है। तो हमारे मंदिर में ये हर साल इस टाइम पे मेला लगता है, तो ये 8 दिन का मेला होता है। तो उस मेले के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा अहम दिन है हमारे लिए। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि कृपया करके हमारे गढ़वाल में आए और इस मेले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जय श्री राम, जय श्री राम। सो गाइस, अभी हमारे ब्लॉग के साथ जुड़े हैं नमन जसरोटिया और ये वाले भैया जुड़ चुके हैं ब्लॉग में। और नमन जसरोटिया, आप क्या कहना चाहते हैं गढ़वाल के मेले के बारे में? देखो जतिन जी, ये रथगेड़े का मेला ऐतिहासिक मेला होता है और आज धूमधाम से इस रथगेड़े मेले को मनाया जा रहा है। और ये हमारे गढ़वाल का ही नहीं, स्टेट का और मैं तो बोलूँगा देश का ऐतिहासिक मेला है और नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मेला इसको कहा जाता है। मैं भगवान नरसिंह के आगे यही दुआ करूँगा, मेरा गढ़वाल, मेरी स्टेट, मेरा देश हंसता खेलता रहे, सुख शांति बनी रहे और ऐसे ही हम लोग एक साथ होके देश को तरक्की की तरफ ले जाएं और नरसिंह भगवान का आशीर्वाद सब पे बना रहे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और भैया जी, आप क्या बताना चाहते हैं? हम यही कहना चाहेंगे, जैसे कि नमन जी ने कहा, हमारे बड़े भैया है, उन्होंने कहा कि मंदिर जो हमारा नरसिंह मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जहाँ पे गंडमूल की पूजा की जाती है। जितने भी गंडमूल नक्षत्र में बच्चे पैदा होते हैं उनकी यहाँ पे पूजना की जाती है। ये मेला है, रथखड़े का मेला है। इस दिन और रात बराबर हो जाते हैं। आज के बाद दिन रात बराबर हो जाएगा। और जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़ी दूर दूर से लोग, खासकर ये पहाड़ी क्षेत्र है हमारा, बनी, बिलावर, डुग्गन, जो भी हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, इधर रामपुर, चिंजी वगैरह, मकवाल वगैरह साइड, इधर के लोग आते हैं। जो भी इन्होंने बनाया होता है अपने हाथों से, कांगड़ी होगी, द्राट होगे, कंबल, लोहियाँ वगैरह आते हैं, इस दिन वो वितरित करते हैं और अच्छी कमाई करके जहाँ पे जाते हैं। हम यही चाहते हैं कि वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, मंदिर में सभी आए, भगवान नरसिंह का आप सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखें। जय श्री राम, जय श्री राम। तो अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और अपने नरसिंह भगवान जी के दर्शन करवाता हूँ। चलो आ जाइए हमारे पीछे।
राशन कार्ड अंदर मिला है, वो किसी राशन कार्ड होल्डर नेम है तित्रु राम, संत राम कृष्णा देवी के नाम पे राशन कार्ड है। ये कोई अम्बाला जगह है, ये कोई बिलावर के अंडर पड़ती है, टीएसओ बिलावर के एरिया पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कठुआ का एरिया है। अगर उसमें पैसे भी है पर्स में तो हमें, अगर कोई आपके ब्लॉग के माध्यम में बताना चाहूँगा, अगर कोई हमें इधर आके हमारे से पर्स ले सकते हैं, वो अगर उनके कोई फैमिली का मेंबर हमें पर्स की पहचान बता दे तो हम हमारे से वो पर्स ले सकते हैं, नृसिंह मंदिर गढ़वाल से वो अपना पर्स हम कलेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, इनका जो राशन कार्ड है इनका नाम है तित्रु राम, तो ये पर्स ले सकते हैं यहाँ पे आके, भैया के पास है पर्स तो भैया से ले सकते हैं जरूर। जय श्री राम। जैसे आपको पता है कि आज हमारे रथगढ़ का मेला था, तो अभी हम लंगर में आ चुके हैं जहाँ पे लंगर की व्यवस्था चल रही है। ये जो लंगर होता है ये रात को 2 बजे स्टार्ट हो जाता है, 2 बजे बन्ना रोटी स्टार्ट हो जाती है। हमारे 45 अगले दाल बनी थी, 20 क्विंटल चावल बने थे और अंबल कद्दू का अंबल बना था। जैसे आप देख सकते हो हमारे सारे लोग खा रहे हैं खाना, उस टाइम लंगर की फैसिलिटी पूरी चल रही है। ये जो मेला होता है जहाँ पे दूर दूर के पहाड़ी हमारे लोग आते हैं, बिलावर बसोली बनी डोडा से कठुआ से, हमारे जो गढ़वाल के, मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, अपने जूथ का, अपने प्रोविडेंट पर्सन का, रिस्पेक्टिव ही हो हमारे बुजुर्ग हैं उनका, जिन्होंने इतना योगदान करके इस मेले को ठीक ठाक चला रहे हैं। जो जय नृसिंह देव, जय नृसिंह देव। सो गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं हर्ष भैया के पास। हर्ष भैया, कैसा है खाना बना है? जय श्री राम, जय मन सिंह राम जी का आए वो लंगर का सेवा की है। ये हमारा खाना है दाल चावल, हमारे जे एंड के का भी ये नेशनल वो है, स्टेट फूड है, तो कृपया करके आइए और लुत्फ उठाइए। ये पूरा डी चलेगा मेला, तो कृपया करके सबको नमस्कार और आइए, जरूर आइए। रात को भी आना है ना? रात को भी आइए, यहाँ पे पूरा आरती वगैरह होगी, रात को आरती होगी, यहाँ पे फिर से भोजन होगा, तीनों टाइम भोजन यहाँ पे होगा पूरे वीक तक, कृपया करके रोज आइए। 8 दिन रहेगा मेला, 8 दिन रहेगा और डेली होगा। जय श्री राम, जय श्री राम।
भाई साहब हमारे जो बंदे हैं यहाँ पे बैठे हैं थक चुके हैं, ये हमारे बंदे सुबह से काम करवा रहे हैं, सूर्य हो गया, राहुल, ये एनजे का बहुत वो है योगदान, एनजे वगैरह डांस कर करके थक चुका है। और सूर्य जी यार आपको सलूट होता है यार, सुबह से लगे हो यार आप यहाँ पे काम करा रहे हो, समझ सकते भगवान की सेवा भी जरूरी है। हाँ सेवा तो जरूरी है, सेवा होगी तो मेवा मिलेगा। देखिए पैर कितने गंदे हो चुके हैं, दिखाइए मत लोगों को उल्टी आ जाएगी यार। बस बस बस, बस कृष्णा कहाँ गया? कृष्णा कैमरा बंद कीजिए, पहले बताना कृष्णा कहाँ पे गया। कृष्णा और घर पे चले गए अभी, वो कब के 2 घंटे पहले के चले गए घर को, कृष्णा और अखिल और बॉबी जी आगे वो रैली निकालने गए हैं। रात को आना है? रात का अभी कोई प्रबंध नहीं है हमारा, आ जाना यार, रात को बड़ी अच्छी आरती होती है यहाँ पे, आ जाएंगे रात को भी आ जाएंगे। आप सब भी आके विजिट करें यहाँ पे हमारे गगवाल नरसिंह मंदिर में, मेले में आए, सबको निमंत्रण है यहाँ पे, आए जल्दी से जल्दी। हाँ और अभी हम चले घर को वापस, तो बनी रही हमारे ब्लॉग के साथ, रात को दिखाएंगे हम। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ जोर से बोलिए थोड़ा, लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे झूले वगैरह लगे हैं, देखिए गाइस कितने प्यारे प्यारे झूले लगे हैं हमारे गगवाल में, देखिए गाइस काफी लोग आए हैं आनंद ले रहे हैं और हमारे यहाँ पे नरसिंह भगवान जी के यहाँ पे आके माथा टेक रहे हैं और यहाँ पे झूले वगैरह ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं सभी, देख सकते हैं आप। गाइस कचालू खाएं, आनंद लें मेले का, जो आज नहीं आए हैं कल आए, काफी स्वाद इनके यहाँ पे सौंखे वाले भैया हैं उनसे लीजिए, हमारे रिकमेंडेशन पे, डिस्काउंट कोई नहीं है पर स्वाद पूरा है। तो आप देख सकते हैं अभी हमने सुबह से लेके शाम तक जो है मंदिर में सेवा की, अभी हमारा थोड़ा एंजॉयमेंट का टाइम है, तो हम अपने भाइयों के साथ आ गए हैं यहाँ पे भाई देने के लिए। पेट की सेवा, सबसे पहले हमने कचालू से शुरू किया। बोलिए बोलिए आप तो बोलो। बस भैया, बस भैया चेतन जी आप कल आइए, झूले हमारे रह गए हैं वो कल, मैं खाना मेरा बनाना है। सो गाइस कचालू तो खा लिए, कचालू बड़े टेस्ट थे, तो अभी हम खाएंगे ये जलेबी खाएंगे, अभी हम जलेबी, चाचू जी हमारे जलेबी बना रहे हैं। चाचू जी कहाँ से हो आप? जालेचक से। काफी बढ़िया लग रही है जलेबी, तो अभी हम उसको टेस्ट करेंगे, खाने वाले भी लोकल और खिलाने वाले भी लोकल। हाँ आपने बात बड़ी अच्छी बोली, सब लोकल, सही है जलेबी है ना, घर में आए जतिन फ्रॉम गगवाल, सब्सक्राइब करी देना जा हूं कर देना। बहुत टेस्टी है जलेबी, ये हमारे लोकल भाई लगे देख सकते हैं, इतनी टेस्टी जलेबी, हम सबको गगवाल वासियों को रिकमेंड करते हैं कि इनके पास आके जलेबी खाएं, इनका स्टॉल मंदिर के गेट के साइड लगा हुआ है, मजा ही आ गया। बहुत टेस्टी है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे कपड़ों ही कपड़ों की दुकानें हैं, काफी ज्यादा कपड़ों से भरी दुकानें हैं, ये देखिए काफी ज्यादा देख सकते हैं आप, सारे ट्रैक सूट यहाँ पे, ट्राउजर्स मिलेंगे आपको, छोटे छोटे बच्चों के कपड़े मिल जाएंगे, हर तरह का कपड़ा आपको हमारे में मेले में मिलेगा, यही तो मजा है हमारे मेले का, यहाँ की वाइब ही कुछ अलग है। सही बोला आपने, आप जरूर इस मेले में आए और इस मेले का आनंद लें, इस मेले का आनंद लें, और जय श्री राम, जय श्री राम। गाइस अभी हमारे साथ धोखा हो गया है, इन्होंने हमको बोला 450 में पूरा ट्रैक सूट मिल जाएगा, जब एक्चुअली में हमारा प्रोडक्ट देखने की बारी आई तो उन्होंने हमें बोला सिर्फ और सिर्फ आपको जिपर मिलेगा और नीचे का ट्राउजर नहीं मिलेगा, उन्होंने बोला है ट्राउजर जो है वो आप बाहर खरीद लीजिएगा और 450 में जिपर मिलेगा। हमने प्लान किया था जो हमारे यूट्यूबर हैं जतिन फ्रॉम गगवाल, उनको हमने गिफ्ट करना था ट्रैक सूट, बिल्कुल, मगर हमारे साथ ही धोखाधड़ी होगी तो हम क्या कर सकते हैं, तो जतिन जी का ट्रैक सूट हुआ कैंसिल। और देखिए जैसे ही हमने एक बात सुनी कि 450 में सिर्फ जिपर मिले, हमने उसी टाइम जिपर नीचे फेंक दिया, जिस गली जाना नहीं है उस गली का रास्ता ही क्यों पूछा। जय जी राम।
तो गाइस आप देख सकते हैं अभी हमने यहाँ पे जो है गॉगल्स ले लिया हम सब ने, तो काफी अच्छी क्वालिटी भी अच्छी और विजन भी काफी क्लियर है। तो देख सकते हैं मेले में ये सब चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी अफोर्डेबल रेट पे। हाँ, तो ये हमारे भैया लोकल है, तो इनका नाम जान लीजिए और इनकी दुकान का पूछ लीजिए। आपका नाम क्या है भाई साहब? दीपक शर्मा। और आप कहाँ से? जोड़िया सर। ठीक है, तो आप कैसा लगा हमारे गगवाल में आके? बहुत अच्छा लगा। एक बार जय श्री राम बोल दीजिए। कलेक्शन दिखा दीजिए। सो आप देख सकते हैं जी इनकी कलेक्शन, कितनी सारी कलेक्शन है इनकी, देखिए गाइज। सीढ़ियों से नीचे आके और यहाँ पे दूसरा स्टॉल है इनका एनको का, देख सकते हैं काफी अच्छा। तो गाइस आप देख सकते हैं अभी हम यहाँ पे बेलपुरी खाने आ चुके हैं, तो अगले कुछ सेकंड में हम आपके साथ इसका जायका जो है वो शेयर करेंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जो बेल है हमारी बनके रेडी हो चुकी है। देखिए 20 रुपए की प्लेट है। आप देख सकते हैं हमारे जो मित्र हैं वो झूले पे चढ़ चुके हैं और इस झूले की जो स्पीड है हमें वही देख काफी ज्यादा डर लग रहा है। पता नहीं ये कैसे इस झूले को झेल पाते हैं। हम तो सिर्फ देख रहे हैं, हमारी देखने मात्र से ही बुरी हालत हो चुकी है और ये तो पर्सनली फील कर रहे हैं इस चीज को। अभी हमारे जो मित्र हैं वो इस झूले का आनंद लेके आ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि इनकी हालत काफी बुरी रही होगी, तो आइए अब हम इनका सुझाव लेते हैं। कैसा ये फील कर रहे हैं इस टाइम? शुभ भैया, कैसे लग रहा है? जय श्री राम। मजा आ गया। सुन नहीं आया क्या? शुभ भैया कैसा लग रहा है आपको? बहुत मजा आया, डर तो काफी लगा बट जय श्री राम का नारा लगाया, डर सारा भाग गया। काफी ऊंचाई में लहरा रहा था ये झूला। बिल्कुल बिल्कुल सबने मरी लिया यार। ए भाई ए भाई तो कैसा लग रहा है बताऊं? तो कैसा लग रहा आपको? अभी हम झूठा लेके आए तो मेरा ब्लड प्रेशर है ना वो हाई हो चुका है, पता नहीं चल रहा मुझे क्या हो रहा है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा खराब हो चुका है। तो मेरे को इस टाइम चेयर मिल गई है, मैं इधर बैठ गया हूँ। तो जो हमने खाया था वो ऐसे लग रहा था कि सारा बाहर निकल जाएगा, मगर फिर भी हमारा बचाव हो गया बड़ा ज्यादा। मजा तो बहुत आया हमें झूठे पे, मगर सिस्टमेटिक थोड़ा सा प्लान हमारा जिस हिसाब का हमने मजा लेना था वैसे ले नहीं पाए, क्योंकि हम थोड़ा डर चुके थे झूले की वजह से, क्योंकि ये बहुत हाइट में जाना। तो अभी कल हम फिर से लेंगे ये झूठा, ठीक है जतिन जी, कल हम फिर से आएंगे मेले में, फिर से लेंगे ये वाला झूला। हाँ, और अभी हम घर को जाने का प्लान कर रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसा लग रहा है आपको? मैंने बोला कल फिर। ऐसा लग रहा है कैसा लग रहा है आपको? वर्षी बताओ ना, आपने बताया नहीं। बहुत अच्छा, आप सारे इधर आओ। आपका बहुत बहुत। मैंने देखा झूला लिया तो दिल गार्डन गार्डन हो गया मेरा तो। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। इधर आओ मजे लो झूला, और ये झूला देखो। राजपूत राजाजू मेले में कैसा लग रहा है आके? जतिन जी बहुत मजा आ रहा है, सारे भाई इकट्ठे हुए हैं खाने का,
पकोड़े खाने का बहुत मजा आ रहा है। आप भी खाओ। हम भी खाते हैं, टेस्ट करते हैं। वीडियो बाद में बनाओ, पहले पकोड़े खाओ। चलो खाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सभी भाई हमारे यहाँ पे पकोड़े खा रहे हैं, जलेबी भी खाओ साथ में, और यहाँ के आनंद ले रहे हैं। आपको मेले में कैसा लग रहा है? हम मेले में आए हैं, नरसिंह देव जी के साक्षात हमें दर्शन हुए हैं। दर्शन के बाद हमें भूख बहुत लगी थी अपने भाइयों के साथ। शास्त्री जी को हमने अलविदा किया और उसके बाद हम आए हैं मेले में। पकोड़ा और जलेबी मिला, वो हमने खाया। कल हम दोबारा आएंगे, पकोड़े जलेबी का आनंद दोबारा लेंगे, झूले भी लेंगे। चार दिन तक झूले और पकोड़ा जलेबी चलता रहेगा। हाँ। भैया कहाँ से हो आप? नगरी से। नगरी से हो तो हर मेले में आते हो आप? हाँ। यहाँ पे? हाँ। और यहाँ पे लगाते हो अपना जो भी है जलेबी वगैरह पकोड़े वगैरह? और भैया आपको कैसा लगा हमारे गगवाल का पूरा? बहुत अच्छा लगा, वातावरण बहुत अच्छा। नरसिंह देव जी का इसकी बहुत मेहर है, बढ़िया है। ये देख सकते हैं आप, भैया ने इधर पकोड़े निकाले हैं, ये अंदरसे है, ये पूरा है, मालपुड़ा निकाला है, ये जलेबी चल रही है इधर, ये अंकल जी इनके साथ हैं, इनके हेल्पर, ये भी अंकल हैं, मंडी को रात को ये हमारे लोकल हैं सारे इधर के, नगरी के जो कठुआ के पास नगरी पड़ती है, ये उधर के हमारे लोकल भाई लगे हैं स्टॉल में, यहाँ पर लोगों को खुशहाल जो है पकोड़े और जलेबी खिलाने आए हैं, ताकि लोग इनको इनके हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन खाएं। और ये पकोड़े और जलेबी और मालपुड़ा खास बूर जो कि हमारे जम्मू, जो कि हमारे जम्मू की निशानी है। क्या 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 पैसे भी देख के जाए, जो खा के नहीं आए। हाँ, सही बात, इतनी दूर से आए हैं तो पैसा कमाने आए हैं, सिर्फ सेवा थोड़ी करनी है, ये रोज खाओ और भाग जाओ। सो गाइस यहाँ पे भैया के पास आओ और जलेबी पकोड़ा खाओ, और देख सकते हैं हमारे भैया यहाँ पे जलेबी और पकोड़ा बना रहे हैं, काफी अच्छी बनाते हैं जलेबी और पकोड़ा। और भैया हेलो कर दो। जलेबी जो हमारे नरसिंह मंदिर में बनाई जा रही है लोगों को खुश करने के लिए, वो अपने घर में ले जाएंगे, खाएंगे, भरपूर आनंद लेंगे। ये पतली जलेबी है जो यहाँ की स्पेशलाइजेशन है, एक शुरू से ऐसी बनती आ रही है, इसकी मशहूरी हमारे पूरे जम्मू कठुआ सांबा डिस्ट्रिक्ट में है और रजौरी तक लोगों को पता है कि यहाँ जलेबी वो बनाई जाती है जो कहीं भी नहीं बनती है, गगवाल में बनती है। गगवाल में नरसिंह धाम जी के जो हम चरणों में खाते हैं वहाँ पर ही बनाई जाती है, और लोग इसका ही आनंद लेने दूर से आते हैं दर्शन करके नरसिंह देव जी के, और जलेबी की तरफ बढ़ते हैं। जलेबी काफ़ी बढ़िया लग रही है, और जलेबी आप देखिए पचे निकलने के बाद ही पता लगेगा कि ये कैसी, अभी लाल हो चुकी है। हाँ, और सबके मुँह की ला रहे हैं, हो गई है। तो हमारे आधे साथी निकल चुके हैं, हम इधर खड़े हैं, हम इधर ही हैं। छह साथी हमारे निकल चुके हैं, उनको भूख बहुत लगी है। हाँ, अभी हम जलेबी खाएंगे, हम जलेबी का दर्शन करके जाएंगे। हाँ, अभी पैक करेंगे इसको, इसको पैक करके इसकी धुलाई घर में जाके। हाँ, सही है। ओके, जय माता दी, जय माता दी, जय नरसिंह देव, जय भारत। तो गाइस आज की हमारी जर्नी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रही, हमने बहुत दिल भर के एंजॉय किया, काफ़ी अच्छा लगा हमारे मंदिर में आके हमको। तो अगले जो आने वाले कुछ दिनों के व्लॉग्स हैं उसके लिए हमारे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जितना हो सके भाई को प्यार दें। हाँ, अमरीश को भी प्यार दें। ओके, बाय बाय। इनका नाम है अमरीश जसरोटिया। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं गाइस, सी यू।